hello and welcome to spmis academy today we will analyze important newspaper articles of 12th july 2022 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section you can also join our whatsapp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and the first article is about united nations population report इज टॉपिकटेंट फॉर मार जी जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स ये एक तरह की रिपोर्ट है जो हर दो साल पे यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन डिवीज़न पब्लिश करती है और इस बार का यानी कि लास्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इन द ईयर ट्वेंटी फिर इन द ईयर ट्वेंटी वर्ल्ड population prospect रिपोर्ट has been published इट was published ऑन 11th जुलाई which इज़ वर्ल्ड population डे ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये 1951 से ही पब्लिश की जा रही है जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स ए बाई एनियल मीन्स हर दो साल पे पब्लिश होती है तो दो में यानी कि इस साल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट था इट वॉज़ ट्वेंटी एडिशन ऑफ द रिपोर्ट इस रिपोर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बाय 2023 इंडिया मोस्ट पोपेबली विल सरपास चाइना एंड बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो अभी तक तो चाइना सबसे आगे है चाइना की पॉपुलेशन लगभग एक करोड़ है जबकि इंडिया पहुँच चुका है करोड़ फोर्टी और 2023 तक इंडिया चाइना को सरपास कर जाएगा अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ 2020 की बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि इंडिया विल सरपास चाइना बाय 2027। लेकिन अब ऐसा लगता है एज़ पर दिस रिपोर्ट कि इंडिया विल सरपास चाइना बाय 2023 ट्वेंटी थ्री तक फ्यूचर प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए बाई दिस रिपोर्ट तो इसके हिसाब से चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी 131 करोड़ तक आ जाएगी लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ करके 166 करोड़ तक चली जाएगी अगर दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ऊपर अभी भी चाइना है दूसरे नंबर पे इंडिया है तीसरे नंबर पे यूएस है लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है यू कैन सी यू इज़ अबाउट फाइव टाइम्स स्मॉलर एज़ फार एज़ पॉपुलेशन इज़ कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया अभी ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन की तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं कि पॉपुलेशन तो धीरे धीरे अभी भी बढ़ ही रहा है आप देख सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अभी के टाइम में हमारी पॉपुलेशन जो है लगभग आठ बिलियन डॉलर आठ सॉरी आठ बिलियन तक पहुंच चुकी है और 2030 तक ये साढ़े आठ बिलियन हो जाएगी इट विल बिकम अबाउट 10.4 बिलियन बाय ईयर टू ट्वेंटी तो पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है लेकिन हाँ पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट जो है वो कम हो रहा है एंड रेट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट जो है दैट हेज़ कम डाउन टू वन परसेंट अब हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड का पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ एक परसेंट की रफ्तार से ही बढ़ रहा है आने वाले टाइम में द रेट विल फर्दर ड्लाइन लेकिन दो हज़ार पचास तक पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा और जो रेट है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में रहेगा दो हजार पचास तक उसके बाद जाकर के धीरे धीरे पॉपुलेशन घट सकता है जब रेट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज विल गो इन टू नेगेटिव साइड तो एक बात तो ये हुई दूसरी बात हुई कि वर्ल्ड की जो एजिंग या एजड पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी क्यों क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने का रेट कम हो रहा है यानी कि यंग लोग कम पैदा हो रहे हैं लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं और बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण ओल्ड एज पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन जो है उनकी संख्या बढ़ रही है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड आज पर दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स कि ग्लोबल पॉपुलेशन में 65 फाइव ईयर्स और अबोव वाले जो लोग हैं उनकी ओवरऑल परसेंटेज इन टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 10 परसेंट टू 16 परसेंट बाई ट्वेंटी तो इससे ये पता चलता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्योंकि ये जो 65 फाइव ईयर से ज़्यादा के लोग हैं ये इकोनॉमिकली एक्टिव तो होंगे नहीं इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं सो आर नाउट डिपेंडेंट पॉपुलेशन तो आने वाले टाइम में डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या बढ़ने वाली है उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ने से डबल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लगातार पॉपुलेशन बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ को तो निगेटिव इम्पैक्ट पहुँचा ही है और पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण और ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ा है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वी सी एस साइकिल दैट हैज़ बिन क्रिएटेड बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी देखिए पॉवर्टी के कारण जब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं तो पीपल मोस्टली गेट इंगेज इन टू मोर एंड मोर रिप्रोडक्शन सो पॉवर्टी हैज़ लेड टू हाई पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन के कारण क्या हुआ है कि हेल्थ या एजुकेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इस कारण से पॉवर्टी हो रहा है एंड दैट इज़ वाई पॉवर्टी पॉपुलेशन वी साइकिल हैज़ बिन क्रिएटेड एज पर दिस रिपोर्ट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट रहा है और खासकर ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट रहा है तो फर्टिलिटी रेट इन दीज कंट्रीज़ हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है द एवरेज नंबर ऑफ बेबीज़ बॉर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग दियर रिप्रोडक्टिव ईयर्स तो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट हुआ समवेयर थ्री इन दिस फेज ऑफ 1990 नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज अ वेन यूज टू गिव बर्थ टू थ्री चिल्ड्रेन इन हर रेप्रोडक्टिव ईयर्स इट हैज़ कम डाउन टू टू जबकि माना जाता है इट हैज इट हैज़ बाई नाउ इट हैज़ कम डाउन टू समेयर क्लोज टू टू पॉइंट टू यानी कि अभी भी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इज़ 2.1 रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज इफ वुमन स्टार्ट्स गिविंग बर्थ टू 2.1 पॉइंट वन चिल्ड्रेन इन हर लाइफ साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन आप कहेंगे कि 2.1 पॉइंट वन चिल्ड्रन को कैसे जन्म दे सकती है कोई वुमेन तो ये एवरेज है दस वुमेन मिल करके अगर इक्कीस कि बच्चों को जन्म देती हैं तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट इज़ टू और इसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि अगर 2.1 पॉइंट वन फर्टिलिटी रेट फर्टिलिटी रेट रह जाती है तो पॉपुलेशन विल स्टैगनेट यानी कि पॉपुलेशन विल नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज़ तो मुद्दा यह है कि ज़्यादातर देशों में तो पॉपुलेशन स्टैगनेट कर गया है ग्लोबली भी फर्टिलिटी रेट टू तक आ चुका है जिस कारण से ओवरऑल पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट काफ़ी कम हो चुका है और पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेगनेट हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा तो बहुत तो वो बढ़ता ही रहेगा टिल द ईयर ट्वेंटी फिफ्टी अभी अगर इंडिया की बात की जाए इंडिया के अंदर जो चेंजेज आ सकते हैं एंड uh, इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स होंगे एज पर दिस प्रोजेक्शन तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो पड़ेगा ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ नो डाउट आप देख सकते हैं कि तमाम देशों की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम ही हो रही है अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो सी चाइना विल बी एबल टू तो ब्रिंग डाउन इट्स पॉपुलेशन लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी और 141 से बढ़कर के 166 सिक्सटी करोड़ हो जाएगी तो इट विल हैव हाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन जब भी होगा तो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज सेम लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल हैव टू शेयर द डेफिनेट रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा नीड फॉर स्किलिंग इन इंडिया विल बी इम्पॉर्टेंट देखिए 65 प्लस वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके तुलना में वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो धीरे धीरे कम होगा तो वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि 25 साल से लेकर के चौंसठ साल की उम्र के लोगों को बेहतर स्किल देना होगा ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें बेहतर इनकम जनरेट कर सकें यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पॉपुलेशन इंडेक्स तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये है बाय ईयर 2047 इस पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से दो तक एज सेक्स पिरामिड में आप देखिए कि इंडिया के अंदर ये 40 से 50 साल और 60 साल के बीच के लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी बाय द ईयर 2047 और ओल्ड एज पॉपुलेशन की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी ओल्ड एज पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी जबकि यंग एज पॉपुलेशन की संख्या धीरे, धीरे धीरे घटेगी क्यों क्योंकि हमारा फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम डाउन टू टू पॉइंट वन दे आर द पॉपुलेशन स्टैगनेट तो मुद्दा यह है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी एंड दैट इज़ वाई वर्किंग एज पॉपुलेशन को ज़्यादा ज़्यादा स्किल्ड होना है ये जो एज सेक्स पिरामिड होता है इसमें इस साइड में विमेन की पॉपुलेशन इस साइड में मेन की पॉपुलेशन दिखाई जाती है तो इससे सेक्स रेशियो भी पता चल जाता है इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से एज ग्रुप में इसे जीरो से दस साल के बीच में कितने पॉपुलेशन हैं दस से बीस साल में कितने पॉपुलेशन है तो इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा होंगे तो टू तक पचास के आसपास के एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा होंगे तो धीरे धीरे इंडिया की जो पॉपुलेशन अभी यंग है वो इतनी यंग रहेगी नहीं और इसी कारण से अभी जो हमारी यंग पॉपुलेशन उसको बेहतर स्किल दे करके हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगा चाइना की हालत तो और भी खराब होगी चाइना की आप देखो तो इन्वर्टेड एज सेक्स पिरामिड हो चुका है मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे जबकि काम करने वाले लोग कम बचेंगे दैट विल क्रिएट ए मैसिव प्रॉब्लम फॉर चाइना तो ये आने वाले टाइम में अभी भी एज सेक्स पिरामिड के हिसाब से एक चीज़ नेगेटिव है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा लेकिन हाँ दूसरी एक पॉजिटिव है कि कम से कम हमारे पास अभी भी 2050 तक भी यंग एज पॉपुलेशन रहेंगे वर्किंग एज ग्रुप में पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा जिस कारण से इंडिया के पास आने वाले टाइम में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का मौका है एज कम्पेयर टू चाइना तीसरा जब ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगा सिक्सटी प्लस एज कैटेगरी वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाली सरकारों को जेरियाट्रिक केयर यानी कि ओल्ड एज लोगों के केयर के लिए या उनके सोशल सिक्योरिटी नेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जैसे स्कीम्स चलाई हैं सरकार ने ओल्ड एज लोगों के पेंशंस वगैरह के लिए इस तरह की और सारी स्कीम्स चलानी होंगी एंड दैट विल हैव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस डी जी रिपोर्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर मारेलेबस जी एस पेपर टू इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर पॉलिसीज सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टूगेदर अ सेट ऑफ सेवेंटीन गोल्स दैट वर्ल्ड कंट्रीज हु आर मेम्बर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव इस्टेब्लिश्ड फॉर दम सेल्फ दी Sustainable Development Goals were established in 2015, and these goals were to be achieved by 2030. और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करना इन अटेनिंग दीज गोल्स और इस डायरेक्शन में यूएनडीपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करके दुनिया के देशों को बताता है कि आपके यहाँ पे इन इन एरियाज़ में कितनी डेवलपमेंट हुई है या कितना डेवलपमेंट होना बाकी है अगर आप देखें तो जो सत्रह गोल हैं एच के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वो ये हैं आपको इनको याद रखना चाहिए फ्रॉम प्रलिम्स एंड मेन्स परस्पेक्टिव बोथ मेन्स में भी कभी भी सवाल आ जाए मान लीजिए पेपर थ्री में या फिर गवर्नेंस वाले सेगमेंट में तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला जो एस्पेक्ट है इट इज़ रिलेटेड टू एसडीजी गोल नंबर 14, 15 ऐसे मेंशन कर सकते हैं तो देखते हैं 17 के 17 गोल एक बार रिवाइज़ करते हैं गोल नंबर वन इज़ अबाउट नो पॉवर्टी टू जीरो हंकर थ्री गुड हेल्थ एंड वेलबींग फोर क्वालिटी एजुकेशन तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि फॉर चिल्ड्रेन देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट गोल जैसे कि चिल्ड्रेन की जब भी बात लिखें आप तो एच डी जी गोल नंबर फोर का जरूर मैंसन करें जेंडर इक्वालिटी गोल फाइव क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल सिक्स सेवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नाइन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना टेन रिड्यूस्ड inequalities 11 sustainable सस्टेनेबल सिटीज एंड 12 responsible consumption एंड प्रोडक्शन थर्टींथ climate एक्शन 14 लाइफ बिलो वाटर 15 लाइफ ऑन लैंड 16 पीस जस्टिस एंड strong इंस्टीट्यूशन एंड 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स तो जितने भी 16 गोल्स हैं इनके लिए बाकी सारे देश आपस में पार्टनरशिपिंग करेंगे ताकि इन गोल्स को अटेन किया जा सके दैट इज़ गोल नंबर 17. अभी एस रिपोर्ट क्या चीज़ होती है अभी तो हमने देखा कि एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है अब हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है तो ये एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों का परफॉर्मेंस पब्लिश किया जाता है कि हाउ फार हैव बीन सक्सेसफुल इन अटेनिंग द गोल्स एच डी जी गोल्स तो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन असेसमेंट ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस टुअर्ड्स अटेनिंग एस डी जीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इट इज़ पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशंस तो करंट न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन की एच डी जी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू पब्लिश हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी जो नॉर्टिक कंट्रीज हैं जैसे कि फिनलैंड डेनमार्क एंड स्वीडन दे आर इन द टॉप थ्री एज फार एज प्रोग्रेस इन एच डी जी गोल्स आर कंसर्न अगर टॉप टेन कंट्रीज़ की बात की जाए तो कि दसों के दसों देश यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लेकिन ये तो बात होगी कि टॉप के परफॉर्मर स्टेट्स कौन कौन से हैं देश कौन कौन से हैं लेकिन अगर बात की जाए कि कोविड नाइन्टीन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है एच डी जी गोल्स पर तो यू विल गेट टू नो कि जहाँ तक पोवर्टी कम करने का सवाल है तो जो हमारा टारगेट था उससे हम चार साल पीछे चले गए हैं बिकॉज ऑफ़ कोविड नाइन्टीन तो ये देखिए नो पॉवर्टी वाज जी नंबर वन इसमें जहां हम चार साल पहले थे वहां वापस से पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ़ कोविड नाइन्टीन उसके अलावा कोविड नाइन्टीन क्लाइमेट चेंज ग्रोइंग इनिकवालिटी एंड कन्फ्लिक्ट जैसे कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है यमन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस कारण से ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी लगातार बढ़ते जा रही है इनफैक्ट आज भी दुनिया के 10 प्रतिशत लोग यानी कि 10 में से एक इंसान हंगर का शिकार होता है एज पर दिस एच रिपोर्ट अगर इंडिया के परफॉर्मेंस की बात की जाए एच रिपोर्ट में तो इंडिया की परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी है नहीं पिछले साल की तुलना में हमारा रैंक खराब ही हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 के रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 121 जबकि पिछले साल 2021 में इंडिया की रैंक थी 120. कौन कौन से एच में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो एच नंबर एट इंश्योरिंग डिसेंट वर्क में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एच नंबर थर्टीन इंडियाज़ परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट एक्शन में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है लेकिन कुछ कुछ एच डी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल एच डी नंबर टू नो हंगर में हंगर हमने कुछ हद हाँ तक तो बैलेंस किया है एच नंबर थ्री हेल्थ एंड एच डी नंबर सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लेकर के मैंने कल ही एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था जल जीवन मिशन तो इन सब एरियाज़ में कुछ इंप्रूवमेंट है लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत कम है इस टॉपिक के बेसिस पे ए ने अपने कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम टू थाउजेंड में एक सवाल पूछ रखा था एच डी जी पे ये सवाल वही है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेघालय ट्राइबल काउंसिल रिविज रिविजिट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जी एस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक बात तो पता ही है कि मेघालय को अगर देखा जाए तो जोग्राफिकली इट कैन बी डिवाइडेड इंटू तो थ्री मेजर रीजन्स गारोज खासीस एंड जयंतीज खासीज आर इन द मिडिल पार्ट ऑफ मेघालय दीज थ्री कॉम्युनिटीज़ यहाँ के तीन अलग जो ट्राइबल कॉम्युनिटीज़ हैं दे आर मैट्रिलिनियल मतलब वो विमेन टाइटल्स को पास करते हैं वन जनरेशन टू अनदर। अदर अभी ये तीनों जो हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे तो खासीज ये कैसे इंडिया का हिस्सा बने हैं 1947 के बाद उसको एक एक करके देखते हैं तो खासीज़ में जो रूल करने वाले लोग थे देआर खासी रूलर्स मेंबर ऑफ़ खासी ट्राइब्स उन्होंने भारत सरकार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन किया आप कह सकते हैं ट्रीटी साइन किया भारत सरकार के साथ और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन की मदद से खासी बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। उस टाइम में इंडिया डोमिनियन था ऑफ़ नाइनटीन फिफ्टी ट्वेंटी जनवरी 1950 के बाद हम रिपब्लिक हो गए तो जब खासी ने भारत सरकार के साथ उस टाइम में जो इंडिया डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन था उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन करके इंडिया के साइड से सी राजा गोपालाचारी साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन किया तो उसके साथ ही खासी बिकेम आफ पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ इससे लीगल डॉक्यूमेंट जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के हिसाब से बनाया गया था नाइनटीन के बाद इसका, इसका इस्तेमाल किया गया फॉर ऑल द प्रिंसली स्टेट्स हु वे इंडिपेंडेंट सो बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन दे कुड आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान तो आपको पता है कि राजा हरी सिंह मैंने कुछ दिनों पहले जब शिमला ग्रीन में बताया था तो मैंने बताया था कि हाउ राजा हरी सिंह केम टू इंडिया एंड साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन एंड विद दिस कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया तो ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन है जिसको साइन करके कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था तो ये इसको लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन से और इसको खासी रूलर्स ने साइन करके दे बिकेम पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया अभी करंट न्यूज़ क्या है करंट न्यूज़ ये है कि खासी ट्राइब की जो ऑटोनोमस काउंसिल है यू मस्ट बी नोइंग कि सिक्स शेड्यूल के हिसाब से देर इज़ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन खासी खासी ट्राइब की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उन्होंने वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन हुआ था खासीज और भारत के बीच में उसको एक बार फिर से वो स्टडी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन में जो जो प्रॉमिस इंडिया के तरफ से किया गया था ऑफ कोर्स आज के टाइम में तो खासी इंडिया का हिस्सा है लेकिन उस टाइम में तो खासी और इंडिया के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन हुआ तो जो जो प्रोमिसज भारत सरकार ने किए थे खासीज रूलर को क्या वो प्रोमिस पूरे हुए हैं या नहीं इसमें एक बात निकल के सामने आ रही है कि खासी रूलर्स को भारत सरकार ने एक प्रॉमिस किया था कि जैसे नागालैंड को हमने एक स्पेशल स्टेटस दिया है अंडर आर्टिकल 371 ए सो दैट नागा पीपल कुड प्रोटेक्ट देयर सोशल रिलीजियस एंड कस्टमरी प्रैक्टिस उसी तरीके का अधिकार खासी ट्राइब के लोगों को भी मिलेगा ऐसा उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन में लिखा है ये क्लेम कर रहे हैं खांसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स कि सर देखो खा जब खासीज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन किया भारत सरकार के साथ तो उसमें भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि जैसे हमने नागाज को दिया स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल थ्री ए ताकि वो अपने कल्चर रिलीजन कस्टम्स को प्रिजर्व करके रख सके ठीक वैसे ही हमें भी अधिकार मिले थे एज़ पर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन लेकिन ऐसे अधिकार हमें रियलिटी में तो मिले ही नहीं सिक्स शेड्यूल में हमें जो पावर्स मिले हैं उसमें इस तरह की तो कोई चर्चा है नहीं एंड दिस इज़ हाउ नाउ खासीज आर डिमांडिंग कि सिक्स शेड्यूल में अमेंडमेंट करके खासीज़ को भी कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाए एट पार विथ राइट्स प्रोवाइडेड टू नागाज अंडर आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद खासीज लोगों को क्यों याद आया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन आखिर क्यों वो इसमें और ज़्यादा अधिकार डिमांड कर रहे हैं तो खासीज लोग खासे अपसेट हैं विथ अ बिल दैट हैज़ बिन प्रपोज इन द पार्लियामेंट जिसका नाम है खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल ट्वेंटी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो किसी की संपत्ति होगी वो कैसे बटती है तो खासीज़ का अपना एक कस्टम है उस कस्टम के हिसाब से घर की जो सबसे छोटी बेटी होती है ठीक है ये एक अच्छी बात है यूनिक बात है जो बाक़ी इंडिया में नहीं देखा जाता है कि घर की जो सबसे छोटी बेटी होती है उसके नाम की वो प्रॉपर्टी दे देते हैं उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज़ देयर जनरल कस्टम फॉर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जबकि भारत सरकार यह बिल ला करके खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 ट्वेंटी वन ला कर के वैसा नियम लाना चाहती है कि देर शुड बी एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पैरेंटल प्रॉपर्टी अमंगस्ट ऑल सिबलिंग जैसे नॉर्मली होता है कि सारे बच्चों में सारे भाई बहन में बराबर तौर पर बढ़ जाए प्रॉपर्टी तो इससे खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग खासे नाराज़ हैं कि आप हमारे कस्टम्स ट्रेडिशंस में बेवजह का इंटरफेयर कर रहे हैं और इस कारण से फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया आपने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन किया तो उसमें जो प्रामिसज़ किए थे वो है कहाँ प्रामिस वो प्रोमिस पूरे करो अमेंडमेंट करो सिक्स शेड्यूल में और हमें वो राइट्स दो क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन्स में अननेसेसरी भारत सरकार इंटरफेयर कर रही है थ्रू दिस खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 ट्वेंटी वन सिक्स शेड्यूल की इतनी चर्चा हुई है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको आई आई होप आपको पता ही होगा कि सिक्स शेड्यूल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद आर्टिकल टू फोर्टी फोर टू एंड टू सेवेंटी फाइव वन इट प्रोवाइड्स फॉर सेल्फ गवर्नेंस राइट्स टू द ट्राइबल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो इसमें चार स्टेट्स हैं आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम इनके जो ट्राइबल रीजन्े मेघालिया से खासीस जयंती एंड गारो मिज़ोरम से चकमा लाई मारा त्रिपुरा से एक ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक काउंसिल और आसाम से डीमा हसा और कारबी अंगलोंगर बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन सब को सेल्फ गवर्नेंस के कुछ स्पेशल अधिकार मिले हैं ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को तो इन चार स्टेट से देर आर टोटल एल टोटल टेन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिनको सेल्फ गवर्नेंस के स्पेशल अधिकार मिले हैं अंडर सिक्स शेड्यूल इसी सिक्स शेड्यूल में ये जो खासीज हैं वो और ज़्यादा अधिकारों का डिमांड कर रहे हैं बाई अमेंडिंग सिक्स शेड्यूल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लिए उन्होंने जो पुराना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन है उसको रीड करना शुरू किया है जिसकी मदद से खासीज बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है दिस क्वेश्चन वाज वजपी यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिलोकेशन ऑफ रेड पांडाज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेब जी एस पेप्रीन वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो इस आर्टिकल को समझने से पहले आप ये समझो कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक है संगा लीला नेशनल पार्क यहां पे है बिल्कुल सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है संगा लीला नेशनल पार्क संगालीला नेशनल पार्क के अलावा एक और नेशनल पार्क है वहाँ पे नेोरा नेशनल पार्क ये दो ही ऐसे नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ पे रेड पांडाज मिलते हैं उसके अलावा और भी नेशनल पार्क हैं जैसे जल्दा पारा, सुंदरबन गौरुमारा बक्सा तो ये हैं अलग अलग नेशनल पार्क लेकिन ये दो हैं नेोरा एंड संगालीला जहाँ पर रेड पांडाज मिलते हैं क्योंकि हिली एरियाज़ में ही रेड पांडाज मिलेंगे तो हिली एरियाज़ में यही दोनों नेशनल पार्क हैं न्यौरा में और सिंगालीला में जहाँ पर रेड पांडाज़ मिलते हैं लेकिन धीरे धीरे रेड पांडाज़ की पॉपुलेशन न्यौरा में और सिंगालीला में भी कम हो रही है यहाँ पर रेड पांडाज़ की पॉपुलेशन कम हो रही है और इसी कारण से एक नया इनिशिएटिव लेने का फैसला लिया है जूलॉजिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके हिसाब से वो क्या करेंगे कि दार्जिलिंग में एक ज़ू है उस ज़ू या चिड़ियाघर का नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है यहाँ से 20 रेड पांडास को वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स सिंगालीला नेशनल पार्क के वाइल्ड रीजन में छोड़ेंगे तो चूंकि सिंगालीला में और निरा में रेड पांडास की पॉपुलेशन घट रही है तो जू से पांडास को लेकर के वाइल्ड uh, एरिया में छोड़ा जाएगा स्पेशली इन द फॉरेस्ट ऑफ सिंगालीला नेशनल पार्क तो ये इंडिया के अंदर पहला ऐसा है जहाँ पे रीवाइल्ड करने की कोशिश की जा रही है ऑफ दीस रेड पांडास। अब देखो मतलब वाइल्ड से जू में पकड़ के लाना तो नॉर्मल प्रोसीजर है ये तो होता ही रहता है लेकिन इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जू से वाइल्ड में भेजा जा रहा है टू दीस रेड पांडास रेड पांडास की अगर बात की जाए तो आई यू सी एंड रेड डाटा बुक में दे आर कैटेगराइज एज इन डेंजर स्पीसीज मतलब सेकेंड हाइस्ट प्रोटेक्शन हाइएस्ट तो क्रिटिकल इन डेंजर्ड होता है दे हैव गॉट हाइस्ट प्रोटेक्शन अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू देव बिन पुट अंडर शेड्यूल वन रेड पांडास की अगर बात की जाए तो दे आर कंसिडर टू बी साई एंड सॉलिटरी अकेले रहना पसंद करता है बेचारा ठीक है एबोरियल एनिमल है मतलब ज़्यादातर ट्रीज में रहता है एंड मेनली फीड ऑन लीव्स एंड बैम्बूज लेकिन कभी कभार थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह भी खा लेता है और इट इज़ ए स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम उसके अलावा रेड पांडास की एक और बात है दे आर कंसिडर्ड एज इंडिकेटर स्पीसीज इंडिकेटर स्पीसीज़ वो होते हैं जिनकी जनसंख्या अगर किसी एरिया में घटने लगे तो आप समझ लो कि उस एरिया में कुछ मेजर इकोलॉजिकल चेंज या डैमेज हो रहा है तो रेड पांडाज आर कंसिडर टू बी इंडिकेटर स्पेसिस दैट कैन सिग्नल अ चेंज इन द बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम व्हिच कैन बी यूज एज प्रॉक्सी टू डायग्नोज हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम तो रेड पांडाज की पॉपुलेशन घटना मतलब उस इकोसिस्टम में कुछ उसके हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इरोजन बाय ब्रह्मपुत्र दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर फाइव असाइमिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको तो पता ही है कि ब्रह्मपुत्र के कारण हमारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है लैंड इरोजन High-speed discharge that comes from Brahmaputra river has led to loss of land. तो so as per one data the about 7% of the land in state of Assam have been lost in last 50 years. अगर एक case study देखा जाए, अगर सिर्फ एक Majuli island की बात की जाए, तो Majuli island में सबसे ज्यादा erosion face किया है, because of Brahmaputra river. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तीन side से तीन स्ट्रीम्स आती हैं मजूली आइलैंड तो वैसे ही बनाइड से रिवराइन आइलैंड तो एक साइड से सुबनसरी नदी आ रही है इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है ब्रह्मपुत्र की एक डिस्ट्रीब्यूटरी खरकुटिया ये आकर के ऐसे मिल जाती है सुबनसरी से तो इस तरीके से तीन साइड से रिवर से घिरा है बीच में मजूली आइलैंड तीनों साइड से इरोजन होता है इस कारण से अगर देखा जाए तो 1890 से लेकर के अभी तक में काफ़ी ज़्यादा इसका साइज़ घट चुका है 1819 में इसका साइज़ था 1500 1250 स्क्वायर किलोमीटर नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 550 स्क्वायर किलोमीटर देर आर सम समर्ट्स हुव एन ओपिनियन कि मजूली विल कम्प्लीटली डिसअपियर बाय 2040 तो इस तरह के ओपिनियंस हैं ऑफ़ कोर्स तो मुद्दा यह है कि ब्रह्मपुत्रा के कारण बहुत सारा इरोजन होता है हमारे स्टेट आसाम में उसको कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वॉट कुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन तो एक सोल्यूशन है तो ड्रेजिंग कर सकते हैं हम लोग ड्रेजिंग मतलब रिवर की जो बेड है उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं उससे रिवर का डेप्थ बढ़ जाएगा और रिवर का जब डेप्थ बढ़ेगा तो लेटरल इरोजन या साइड इरोजन कम होगा उसके अलावा वी कैन प्लांट सम ट्री एंड बैम्बूज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स उसके अलावा थोड़ा बहुत ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर आर वगैरह या डैम्पनर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे ताकि रिवराइन इरोजन ना हो मजूले में आर सी स्ट्रक्चर का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है इरोजन को अवॉइड करने के लिए उसके अलावा इस तरह के जियो बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जियो बैग्स में कैसा होता है कि दे आर इस तरह का हाई स्ट्रेंथ बैग्स होते हैं हाई स्ट्रेंथ जियो टेक्सटाइल बैग्स होते हैं उसके अंदर सैंड भर भर के रख दिया जाता है नदी के किनारे आपने जरूर देखा होगा जियो बैग्स अलॉन्ग ब्राउपपुत्र और बहुत सारे जगहों पर रखा जाता है इनको हम लोग कहते हैं जियो बैग्स तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इरोजन को कम करने के लिए इसमें मेजर सॉल्यूशन हो सकता है ड्रेजिंग लेकिन ड्रेजिंग का अभी, आ, ड्रेजिंग पे अभी काम नहीं किया जा सका है क्योंकि ड्रेजिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्स करंट आर्टिकल क्या कहता है करंट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले पचास सालों में ब्रह्मपुत्रा के कारण 1280 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड हैज़ बिन लॉस्ट ड्यू टू इरोजन ये डाटा याद रखना और कहाँ से ये डाटा आया है ये भी याद रखना इरोजन पे कभी सवाल आ जाए जीएस पेपर फाइव में तो इस डाटा को कोट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1950 में जो अर्थक्वेक आया था आसाम के अंदर मेजर अर्थक्वेक उस कारण से हुआ क्या है कि ब्रह्मपुत्रा के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उस मेजर अर्थक्वेक के कारण उसके एरिया जो हैं थोड़े से लूज हो गए हैं जो पूरा का पूरा जो जूलॉजिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा लूज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस मैसि वर्थक्वेक और इस कारण से इरोजन का जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि अब जूलॉजिकल सिस्टम जो है थोड़ा सा लूज हो गया और पानी तेज़ रफ्तार से बैठ रही है तो इस कारण से अब इरोजन या कटाव का प्रॉब्लम साइड से जो लेटरल इरोजन का प्रॉब्लम बढ़ गया है आफ्टर द मैसि वर्थक्वेक दैट केम इन असामिन नाइनटीन फिफ्टी अगर 2022 तक बात की जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा इरोजन का इम्पैक्ट पड़ा है वो है मोरी गाँव टू स्क्वायर किलोमीटर लैंड हैज़ मिन लॉस्ड फ्रॉम नाइनटीन टू तो टू लेकिन एक और अच्छी बात है कि एक तरफ से इरोजन होता है तो दूसरे तरफ बहुत सारा जो सॉयल है या बहुत सारा जो इरोडेड पार्ट है उसको ले जाकर के ब्रह्मपुत्रा कहीं और जाकर के डिपोजिट भी कर देती है फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे इरोजन किया तो रेट में है जाकर करके उन्होंने डिपोजिट कर दिया तो इस तरीके से ये डबल प्रोसेस होता रहता है एक साइड से इरोजन तो दूसरे जगह जा कर के डिपोजिशन भी होता रहता है तो इतने सालों में अगर 1280 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इरोड हुआ है तो 618 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जनरेट भी हुआ है बिकॉज ऑफ दिस री प्रोसेस लेकिन जो नया लैंड जनरेट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है मारसी होता है स्वैम्पी होता है कि जहाँ पे आप खेती कर सकें या सेटलमेंट बढ़ा सकें तो ये तो अच्छी ज़मीन होती है बारह स्क्वायर किलोमीटर ये तो अच्छी ज़मीन है लेकिन उसके बदले में जो रीट डिपोजिशन करके जो ज़मीन हमने रिगेन किया है वो उतना यूजफुल नहीं होता नेवर यू मस्ट नो दिस जियोलॉजिकल फिनमििना दैट सम ऑफ द लैंड इज रीगेंड ड्यूरिंग द रीडिपोजिशन प्रोसेस ऑफ ब्रह्मपुत्रा कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द क्लाउडी नाइट ऐसा होता है कि क्लाउडी नाउट्स नाइट्स में जो लैंड से रेडिएशंस निकलते हैं वापस लैंड पे आ जाते हैं तो इसलिए लैंड जल्दी ठंडा नहीं होता है तो क्लाउडी नाइट्स में आपको सर्दी नहीं लगती है गर्मी लगती है तो लैंड जल्दी ठंडा नहीं होगा तो उसके ऊपर का एयर भी जल्दी ठंडा नहीं होगा जब एयर जल्दी ठंडा नहीं होगा तो मॉइस्चर जल्दी लूज नहीं करेगा तो इस कारण से ड्यू नहीं बनेगा सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उसके अलावा अगर डेप्रिसिएशन होगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी टी इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ेगा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए और जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज कॉज बिकॉज ऑफ क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग